नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म और परंपराओं में हर दिन किसी न किसी देवता और ग्रह से संबंध है और इसका अपना अपना महत्व है। मान्यता है, अगर दिन के मुताबिक काम किया जाए तो देवी देवताओं की असीम कृपा आप पर बरसने लगती। मान्यताओं के अनुसार बजरंग बली एक कलयुग के ऐसे देवता है जो कि हर एक दिन अपनी समान कृपा व आशीर्वाद पूरी दुनिया पर बरसाते हैं। इसीलिए हनुमान जी से संबंधित कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो वह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा व उनके लिए किया गया कोई भी उपाय जहाँ आपको हनुमान जी की कृपा तो दिलाता ही है, साथ ही मंगल ग्रह का कारक मानने के कारण आपको मंगल ग्रह के दोषों से भी निवारण से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता के मुताबिक आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपकी कुंडली में कोई बाधा उत्पन्न हो। आपको कोई ऐसा विशेष काम भी नहीं करना चाहिए जिससे आपके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो। अगर आप हनुमान जी से संबंधित कोई भी गलत कार्य कर देते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है और इसका आपके जीवन पर गलत असर अवश्य पड़ता है। यही नहीं, आप आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। वही मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। कहा जाता है जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं हनुमान जी से संबंधित कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है, जिन्हें करने से बजरंग बली रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों की माने तो माना जाता है कि हनुमान जी को याद करते वक्त किसी को भी धन नहीं देना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कर्जा लेना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, वह धन हानि होने लगती है। इसके अलावा उड़द की दाल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। माना जाता है उड़द की दाल खाने से शनि और मंगल का संयोग आपकी सेहत के लिए कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि उड़द की दाल का संबंध शनि से है। हनुमान जी की पूजा करने वाले दिन आपको मछली भी नहीं खानी चाहिए। मान्यता के अनुसार जिस दिन आपने हनुमान जी की पूजा की हो या फिर मंगलवार या शनिवार के दिन अगर आपने उनकी पूजा की है तो इस दिन मछली खरीदने और खाने से व्यक्ति का पैसा पानी की तरह बहकर खत्म हो जाता है। जिस दिन भी आप हनुमान जी की पूजा करें या फिर कोई उपाय करें उस दिन आपको सात्विक रहना चाहिए, शराब और मांसाहार से दूर ही रहना चाहिए जिससे आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जिस दिन बजरंग बली की कृपा प्राप्त करनी हो, उनकी पूजा पाठ किया हो, उस दिन बाल दाढ़ी आदि नहीं बनवाना चाहिए, इससे आपको मंगल दोष लगता है। नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए क्योंकि इसे बेहद अशुभ माना जाता है, जिसके कारण आपको कोई भी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। जिस दिन मंगलवार या फिर हनुमान जी की पूजा की गई हो उस दिन कोई भी श्रृंगार का सामान ना खरीदें। माना जाता है कि श्रृंगार का सामान खरीदने से वैवाहिक संबंध में दरार आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय बजरंग बली।